हेलो व्यूअर्स मेरी आज की ये वीडियो है यूज़ ऑफ़ वर्ड्स इन सेंटेंसेस दिस इज़ बेसिकली इन बीए पार्ट थ्री सेमेस्टर सिक्स ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बट ये बेसिक वोकेबरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है वहाँ पे भी ये काम आएगी सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जो वर्ड्स के मैं मीनिंग हिंदी में लिख दूँ या आपको बोल के समझा दूँ तो जो मैक्सिमम जितना मैं अपना कर पाई इस वीडियो में आई विल ट्राई टू गिव क्योंकि बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वर्ड्स के मीनिंग को सिंगल सिंगल समझने में आई एम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू टू एक्सप्लेन द वर्ड्स टू यू सबसे पहले है बच्चे एब्जामिनल दैट इज़ रिलेटेड टू स्टमिक स्टमिक मतलब पेट से संबंधित तो बच्चों ने वहाँ पे सेंटेंस बनाने अगर आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर है देन यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंस इजीली द चाइल्ड हैज़ टू टेक लीव ड्यू टू एबनॉमिनल पेन क्लियर इट्स वेरी सिंपल कि बच्चे को छुट्टी लेनी पड़ी एब्नॉमिनल पेन की वजह से सेकेंड है एबजॉर्ब करना ये तो हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ सोख लेना या अंदर ले लेना द ड्राई लैंड ऑब्जॉर्ब्स ऑल रेन वाटर सेकेंड ऑब्जॉर्ब द सेम थिंग ऑब्जॉर्ब से बना है अब्जॉर्ब्शन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग समिंग इन अंदर सोख लेना एक्जेलरीट इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ समथिंग किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना एक्सेलरेट करना लाइक फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है प्राइस को इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेट कर रही है जो न्यू पॉलिसीज़ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है एक्सेलरेट हो रही है मतलब तो किसी भी चीज़ को हम कह रहे हैं कि बढ़ रही है देन एक्सेंट किसी भी लैंग्वेज को बोलने का एक किसी की किसी भी भाषा को बोलने का एक तरीका तो नेक्स्ट है बच्चे एक्यूमुलेट करना एक्यूमुलेट मतलब गैदर करना इकट्ठा करना शी इज़ एक्यूमलेटेड इनफ मनी टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना आप पैसा इकट्ठा करने को बोल सकते हो कोई भी चीज़ें इकट्ठी करने को बोल सकते हो इट्स इन इन बोथ सेंसेस इट्स ओके एक्ूमुलेशन सेम मीनिंग एक्यूरेसी करेक्टनेस मतलब कोई चीज़ बड़ी परफेक्टली करना करेक्टली करना देन एक्यूरेटली

देन एक्टिवेट करना ये तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के लिए इसका सिम एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट करना किसी चीज़ को स्टार्ट करना पीपल प्ले म्यूजिक इन द जिम टू एक्टिवेट देयर बॉडी बॉडी को एक्टिव करने के लिए या सिम को एक्टिवेट किया द हैज़ एक्टिवेटेड माय सिम या आई हैव एक्टिवेटेड माय सिम इट्स ओके एक्टिवली मतलब बहुत एनर्जेटिकली बहुत जोश से एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्वियर पेन होना तो देयर वॉज अक्यूट पेन एक अडेप्टशन मतलब, मतलब किसी चीज़ को के अनुकूल हो जाना अपने आप को अडेप्ट कर लेना चेंज करना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है बचे सेकेंड पेज अडेप्टिव अडेप्टिव मतलब हैविंग एन एबिलिटी टू चेंज टू सूट चेंजिंग कंडीशन मतलब किसी के अंदर वो क्वालिटीज़ होना है शी इज़ रियली अडेप्टिव टू द एन्वायरमेंट शी इज़ रियली अडेप्टिव टू द एनवायरमेंट ऑफ़ द कंडीशन ऑफ़ द सोसाइटी मतलब जहाँ कहीं जाती है चेंज हो जाती है अपने आप को सेट कर लेती है एडजेसेंट मतलब नियर पास नज़दीक होना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिशन मतलब किसी की एंट्री एडोल्सन मतलब जैसे हम टीन एज में बोलते हैं थर्टीन से लेके नाइनटीन तक ईयर्स के, तक के बच्चों को तो बिटवीन द एज ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑफ एफ एन एंड ऑफ एन एडल्ट एडवर्स मतलब किसी की कंडीशन बुरी होना अनफेवरेबल कंडीशंस एरोसोल मतलब दिस इज अबस्टार्स एंडक्लोज अंडर प्रेशर एंड रिलीज्ड अ फाइस स्प्रे बाय मीन्स ऑफ अ पोपलेंट कैस मतलब एक Uh, एक सब्सटेंस है uh, जो गैस से निकलता है क्लोज अंडर प्रेशर एंड रिलीज एज अ फाइन स्प्रे स्प्रे में से जो एक सब्सटेंस निकलता है वो है एन एरोसोल स्प्रे विल मेक पेंट वेरी स्मूथ एंड शाइनी जैसे ये स्प्रे टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाना है एस्थेटिक वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता और सुंदरता की तारीफ करना ठीक है जी द बिल्डिंग हैज़ एनेथेटिक एज वेल एज प्रैक्टिकल वैल्यू देन अफॉर्म मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर करना या बताना द रूलिंग पार्टी अफॉर्म देयर कमिटमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म कंट्री जो रूलिंग पार्टी है अपनी कमिटमेंट्स देती हैं डिक्लेयर करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट uh, को दूर करने के लिए कंट्री में या आई अफर्म टू यर आइडियाज या आई अफर्म वॉट एवर हैज़ told टोल्ड my माई पेरेंट्स मतलब मैं अफॉर्मेशन देना हाँ हाँ वाचक हम कह सकते हैं कि हाँ येस yes, में बोलना अपनी स्टेटमेंट देना कि वॉट एवर यू आर डूइंग वी विल डू है ना तो एल्गोरिथम दिस इज़ रिलेटेड टू मैथेमेटिक्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ टूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस देन एलियन हम अक्सर ही बोलते हैं आप किसी और दुनिया से आए हो एलियन हो एलियन मतलब किसी और संसार से और दुनिया से अलायंस मतलब यूनियन एसोसिएशन आगे है एलोकेट करना एलोकेट करना जैसे हम रूटीन में भी बोलते हैं प्लीज एलोकेट द बुक्स प्लीज एलोकेट दिंग्स थिंग्स तो एलोकेट करना डिस्ट्रीब्यूट करना बांट देना है ना एल्टीट्यूड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू सी लेवल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस ऑन द माउंटेन्स एट हायर एल्टीट्यूड मतलब जो सी लेवल से बहुत ऊँचे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो नेक्स्ट अमीनो मतलब एक सब्सटेंस है जो बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है अमीनो एसिड्स दैन एम्पलीट्यूड द मेजर ऑफ समथिंग 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 साइज लार्जनेस मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी का किसी का साइज हो गया उसकी लार्जनेस होगी तो उसको नापना भी कितना बड़ा है ये कितना चौड़ा है कितना लंबा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ को Is determined by the amplitude of एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स रिकॉर्डेड सिज़मोग्राफ। दिस सिज़मोग्राफ क्या है एक uh, इंस्ट्रूमेंट है जिससे मापा जाता है कि अर्थ का कितना आया कितने कितने डिग्री रहा कि, क्या उसके डायमेंशनस रहे क्या उसका, उसका एम्पलीट्यूड रहा नेक्स्ट एनालोजी एनालोजी मीन्स कंपेयर करना कंपेरिजन करना वन थिंग एंड अनदर एंड मतलब हमारे पूर्वज फोर फादर्स एंड्रोपोलोजी मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर बेटा देखो ये सें जो वर्ड्स हैं मैं अभी ए अल्फाबेट्स वाले सारे पढ़ रही हूँ लिस्ट सी से फ्रॉम कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स ये जो वर्ड्स हैं कुछ जब भी पेपर में आएंगे तो आई थिंक उसका एक पैटर्न होगा लाइक Uh, जैसे एक पर्टिकुलर फील्ड से आ गए या पर्टिकुलर जैसे मैथमेटिक्स फील्ड से आ गए मतलब एक वर्ड जैसे uh, किसी प्रोफेशन से आ गया एक वर्ड लाइक मैथमेटिक्स से आ गया इस तरह करके होंगे तो इसको ध्यान से आपने रीडिंग uh, करनी है डोंट ट्राई ट्राई टू क्रैम ऑल द थिंग्स आप जब एक बार दो बार तीन बार पढ़ोगे या सुनोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे नेक्स्ट एंटीक्विटी हम कहते हैं कि एंटीक पीस है एंटीक पीस मतलब द एशियन पास से है पुराने समय से है देन अपेंडिक्स uh, ये अक्सर आपने सुना होगा ये टर्म अपेंडिक्स टर्म सुनी होगी दिस इज़ अ ट्यूब शेप्ड सैक अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टेंट मतलब हम सुनते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना तो सीवियर पेन इन द अपेंडिक्स मतलब दिस इज इंटरनल बॉडी इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी यू कैन से अपलॉज अपलॉज मतलब हम सुनते हैं किसी भी फंक्शन में जाएं तो प्रेस करना अप्रूव करना हम कहते हैं कि गिव अ बिग हैंड इन फॉर टू अपलोज द परफॉर्मेंस है ना तो अपलॉज करना मतलब कि क्लैपिंग करना uh, किसी की प्रेज करना देन आर्बिट्री मतलब रैंडमली बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस देन आर्क्योलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूबिशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स मतलब क्या है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना थ्रू द एक्सिक्यवेशन एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स मतलब एग्जेट करना मतलब जो खुदाई करना गुफाओं की उसमें से जो साइट्स हैं उन जो भी वहाँ से मटेरियल मिलता है उसके थ्रू पता करना कि उसमें क्या है तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हो गए एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए ये चीज़ें मतलब एक सारे ग्रुप में आ सकती हैं और एक वर्ड उसमें से भी आ सकता है आपको एरे एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ और अरेंजमेंट किसी को सीक्वेंस वाइज लिखना

ट ऑस्पेक्ट पर्टिकुलर फीचर ऑफ समथिंग मॉरल वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट ऑस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ दैन अजर्च स्टेट ऑफ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली अजर्शन करना द मिनिस्टर द फाइनानस मिनिस्टर अजर्टेड दैट द जी एस टी इज इंट्रोड्यूस टू इंश्योर द इकनॉमिक डिवेल्पमेंट तो वो मानते हैं उनका बिलीव है कि जी एस टी जो है वो क्या करेगा इकनॉमिक डिवेलपमेंट को इंश्योर करेगा है ना तो असाइनमेंट जो आप अक्सर ही कॉलेज में बनाते हो कोई भी काम दे देना एक टास्क दे देना वो असाइनमेंट ट्विटर में भी हो सकती है कोई प्रोजेक्ट वर्क शोर्ट में भी हो सकती है आई फिनिश माई ऑफिस असाइनमेंट विद विथ्स ट्रिपलेटेड मतलब फिक्स टाइम में जो टाइम मुझे मिला था एस्थेटिक फिजिकली सॉरी एथलेटिक दैट इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एथलेटिक मतलब एथलीट्स होते हैं जो बहुत बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी एथलेटिक बॉडी इज द रिवॉर्ड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज वो लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं देन एटम एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट द फर्स्ट एटम वॉज ड्रॉप्ड ऑन जापान ठीक है जी ऑक्शन uh, मतलब नीलामी करना ऑन पब्लिक सेल है ना ऑडिट मतलब जैसे बिजनेस की ऑडिट होती है बिजनेसमैन की ऑडिट होती है किसी की अकाउंट्स की ऑडिट होती है उसको चेक करना ठीक है उसकी छानबीन करना कि ये सब अकाउंट सही मेंटेन हो रहा है देन ऑटोनॉमी मतलब द राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक योर मेक योर ओन डिसीजन विदाउट बींग कंट्रोल्ड बाय एनी वन एल्स मतलब अटोनमी मतलब किसी का भी उस संस्था को इस इंस्टीट्यूशन को चलाने में कोई हाथ नहीं होगा वो इंस्टीट्यूशन खुद ही सारी अपनी डिसीजन लेगी Then, axiom मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत मतलब हर कोई अपने सिद्धांतों पे चलता है ना उसके क्या एक्सियम है प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल और पी ए एल प्रिंस पी ए एल प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ़ द इंस्टिट्यूशन और पी एल ये ध्यान से अपने बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं ये दोनों प्रिंसिपल वर्ड्स में देन एक्सिस मतलब एन इमेजरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स द अर्थ रिवॉल्स अराउंड इट्स एक्सिस अपने ही भूर पर घूमती है नेक्स्ट की वीडियो में इतना ही यहाँ तक हमने ए अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं कंप्लीट कर लिए हैं I will try to make another videos on rest of the alphabets thank you all the best